प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव द्वारा 12 अक्टूबर को सामाजिक चेतना रथ यात्रा शुरू की जाएगी। इसी को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इस रथ यात्रा की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के नेतृत्व में दिनांक 12 अक्टूबर को मथुरा में होने वाली सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा रैली प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने में निर्णायक सिद्ध होगी। पार्टी के प्रमुख महासचिव अभिषेक सिंह आशु ने कहा कि प्रसपा की आगामी 12 अक्टूबर को वृंदावन मथुरा से धर्म युद्ध का शंखनाद होने जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिषेक सिंह आशु ने कहा कि धर्म युद्ध में आप तटस्थ नहीं रह सकते, ऐसे में सभी को न्याय और सत्य की रक्षा के लिए कमर कसनी होगी और शिवपाल यादव के पक्ष में स्वर मुखर करना होगा। इस अवसर पर सहकारी जिला बैंक मथुरा के पूर्व अध्यक्ष जगदीश नहोबार ने कहा कि महाभारत के युद्ध की भांति ये रथ यात्रा न्याय और अन्याय को परिभाषित करेगी और न्याय की जीत होगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सेनापति कुंतल, महिला सभा की जिलाध्यक्ष ममता गौतम, प्रशांत यादव, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र मीणा, विपिन यादव, आकाश नहोबार आदि लोग मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिकली उद्देश्य है वो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री शिवपाल यादव जी की रथ यात्रा शुरू है, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा है। और बेसिकली जो सबसे बड़ी बात है, शिवपाल यादव यादव उसे हैं और यादव वंश से हैं, जो रथ की भूमि के जो मालिक हैं कृष्ण भगवान के वंशज हैं, उनका यहाँ से 101 ब्राह्मणों के साथ शंखनाद किया जाएगा। जैसे महाभारत में यहाँ से कृष्ण भगवान जाके वहाँ हस्तिनापुर गए और उन्होंने पांडवों को जिताया, तो वही काम अब शिवपाल यादव जी को मजबूरन ये काम कदम उठाना पड़ा है। और यही हुआ है कि उस वक्त भी महाभारत में, आज महाभारत की दोबारा रिपीटेशन हो रही है, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि महाभारत की रिपीटेशन है। उस वक्त भी दुर्योधन ने ये कहा था कि मैं आपको सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। अल्टीमेटली क्या हुआ वो सब आपके सामने है, दुर्योधन खत्म हो गए और पांडवों का राज हुआ। यही हाल आज शिवपाल यादव जी के साथ है, यहाँ भी दुर्योधन एक सुई की नोक के बराबर नहीं देना चाहते। और मैं आपको वायदा और यकीन दिला रहा हूँ कि 2022 में चाहे सीट हमारी भी कितनी भी आए मगर शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के CM बनेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बांके बिहारी जी की दिव्य भव्य और पूरे धरती को प्रणाम करते हैं। प्रगत सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए 12 तारीख को स्कूल और पावन धरती को प्रणाम करके शुरुआत करने के लिए, तो हम उससे पहले हम प्रदेश के संगठन का काम देखने के लिए प्रमुख महासचिव बना रखा है, तो हम आए थे यहाँ पर अपने संगठन में बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा करनी और रूट निर्धारित करने की कैसे करके रथ यात्रा निकलेगी। और हमें खुशी है कि यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री सेनापति जी, हमारे नेता वरिष्ठ नेता श्री नौहार साहब, हमारी महिला सभा के अध्यक्ष जी ने, यहाँ के जिला के पूरे संगठन ने, हमारे यूथ के लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शहर को भी सजाया है और कार्यक्रम भी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखा। और हमें भरोसा है कि जब आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की आबोहवा में परिवर्तन। जैसे देखा जाए 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारी की जा रही है? निश्चित रूप से हमारे नेता और हमारे पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अगर ताकत में आएंगे तो दवाई पढ़ाई सिंचाई हम मुफ्त करेंगे, ये नारा लेकर के और अपने देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के हित में जो भी फैसले उनको लेकर के हम लोग 22 के चुनाव में जाएंगे और पूरी तैयारी और यहाँ से चुनाव की रथ यात्रा से ही हमारे चुनाव का संकल्प।